माय नेम इज़ शाहिद इस्मान, आई एम वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन ग्रीन गोल्ड एजेंसी। आज हमारा विजिट है इधर गाजी घाट का और आज तारीख है 25/8/2023 और मेरे साथ इस टाइम नेशनल सेल है ग्रीन गोल्ड के चटर से चटा साहब भी मौजूद है और इसके अलावा हमारे साथ सेल ऑफिसर यहाँ के इस एरिए के अब्दुलरऊफ साहब वो यहाँ पे खड़े हैं। इसके अलावा असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक वैरायटी लगी हुई है ओकरा की गाला 455 और हमने यहाँ पे आके विजिट की और फार्मर्स के रिव्यूज़ दिए और फार्मर्स से पूछा कि हमने ये कैसी रही है, कैसी रही है ये वैरायटी। तो उन्होंने बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी फूल बिल्कुल यूनिफॉर्म है और इसका साइज़ नॉर्मल है बिल्कुल जो मार्केट में इसको पसंद किया जाता है। और इसके अलावा जो अगर आपको फील अगर इसका घुमा के दिखाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। इस तरह यूनिफॉर्मिटी आपको इसके पौधों में नज़र आ रही है, इसी तरह यूनिफॉर्मिटी इसके जो फ्रूट के अंदर है। हमारे साथ फार्मर हैं हमारे हाशिम साहब, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये बैटरी यूज़ किया उनके क्या रिमार्क थे। जी हाशिम साहब, ये आपने कौन सी बैटरी यूज़ की थी? ये 455 यूज़ की थी। अच्छा, शुरू से लेकर आखिर तक बताएं आपने कब लगाया था, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही थी? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे हीट गर्मी ज़्यादा आई थी, गर्मी के आगे इसने कैसा परफॉर्म किया, फिर उसके अलावा डिजीज़ के आगे कैसा इसने परफॉर्म किया, आपने हमें शुरू से लेकर आखिर तक बताना है। जब आपने इसकी बिजाई की थी ना बहुत गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, ठीक है ना। जब ये पौधा ज़मीन से बाहर निकला उस वक्त भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, मगर इसने जो है ना गर्मी बर्दाश्त की है, ठीक है। और जो इसका फल है वो भी बेहतरीन है, कलर भी इसका अच्छा है और मंडी में मार्केटिंग जो है ना इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप तुवाई कितने दिन बाद करते हैं? तुवाई हम करते हैं दूसरे दिन, 8 से 10 मन निकलाती है। जी, ये आशिम भाई की आपने रिमार्क सुने हैं, वो कह रहे हैं कि आप दूसरे दिन इसकी तुवाई करते हैं और 8 से 10 मन जो है वो इसकी प्रोडक्शन आती है और इसको मार्केट में इनको बड़ा अच्छा इसका रेट मिलता है और बड़ा पसंद किया जाता है इसका। जी,